उत्तर प्रदेश में चुनाव सर पर आ गया है तो भाजपा एक तरह से राम के शरणागत हो गई है। विभिन्न जरिए से अयोध्या के फेरे लगाए जा रहे हैं। इसी क्रम में अमेठी से 3 बसों में सवार होकर श्रद्धालु अयोध्या रामलला के दर्शन करने पहुंचे। इसके निशुल्क व्यवस्था वहां की सांसद स्मृति ईरानी ने कराई है। अमेठी सांसद स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र में 17 ब्लॉक हैं और इन सभी ब्लॉक से प्रतिदिन 3 बसें अयोध्या आएंगी। इस तरह 51 बसें अमेठी से श्रद्धालुओं को अयोध्या लेकर आएंगी और यहां पर दर्शन पूजन कराने के बाद फिर उन्हें उनके स्थान पर अमेठी में वापस छोड़ेंगी। इतना ही नहीं, इन सभी लोगों के भोजन की व्यवस्था अयोध्या में की गई है। राम मंदिर आंदोलन की हृदय स्थली रहे कार सेवक पुरम में अमेठी से अयोध्या आने वाले सभी श्रद्धालुओं को निशुल्क भोजन भी उपलब्ध कराया जा रहा है और स्मृति ईरानी की तरफ से अयोध्या तीर्थ पर आ रहे श्रद्धालुओं को प्रसाद भी भेंट किया जा रहा है। अयोध्या बस लेकर पहुंचे श्रद्धालु सुधांशु ने बताया कि अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी के आदेशानुसार 3 बसों के माध्यम से 150 लोग आज अयोध्या लाए गए हैं। 17 ब्लॉक में प्रतिदिन 3 बसें श्रद्धालुओं को लेकर अयोध्या आएंगी, जिसमें राम जन्मभूमि का दर्शन पूजन, हनुमानगढ़ी पर दर्शन और निशुल्क भोजन श्रद्धालुओं को अयोध्या में उपलब्ध कराया जा रहा है। 3 बसें हैं, 3 बसों में 150 की संख्या आई है। आज पहला दिन है और लगभग ये 17 ब्लॉकों में ये कार्यक्रम रैली चलेगा। हर एक ब्लॉक से 3-3 बसें आएंगी, उसमें राम जन्मभूमि के दर्शन होंगे, हनुमानगढ़ी के दर्शन होंगे और निःशुल्क भोजन है यहाँ। इसके बाद दीदी की तरफ से प्रसाद का वितरण किया जाएगा। ये लगभग 51 बसें आएंगी यहाँ, 51 बसों का वो है। ये निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं लिया गया है। ये दीदी स्मृति जुबिन ईरानी जी के प्रतिनिधि विजय गुप्ता जी ने इस बस को हरी झंडी दिखा के रवाना किया था अमेठी से, और कई लोगों थे वहाँ, विधायक जी, कई विधायक गण उपस्थित थे वहाँ पे।